Hello to all the students of class 7. Today I shall be doing the chapter's explanation with you of English Literature Chapter 1, Growing Up in 5 Minutes. Okay, let's begin. Dressed in my Bugs Bunny raincoat, I marched out into the storm and became a man. मैंने अपना बग्स बनी वाला या बग्स बनी मतलब रैबिट वाला जो रैबिट बना हुआ रेनकोट था वह पहना और बाहर तूफान में चल पड़ा और अपने आप को एक आदमी की तरह महसूस कर रहा था। बिकेम अ मैन मतलब बिकेम मतलब कुछ चीज़ का हो जाना, लेकिन इसमें वो अपने आप को महसूस कर रहा था कि वह आदमी बन गया है। It was the worst thing that could happen to a pampered 10-year-old. और यह सबसे एक ख़राब चीज़ हो सकती थी एक लाडले प्यारे 10 साल के बच्चे के साथ। pampered मतलब प्यारा या फिर लाडला। 8 o'clock in the evening, शाम के 8 बजे, storm raging outside. और बाहर बहुत बुरी तरीके से तूफान आया हुआ था। Homework still undone. और homework भी अभी तक नहीं किया था, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं करते। होम ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर द मेड, और घर पर मैं अकेला था, कोई भी नहीं था, बस एक मेड। मेड मतलब जो घर में हमारी काम करने में हेल्पर होते हैं उन्हें हम मेड कहते हैं। हु वॉज वर्किंग इन द किचन, और वो भी रसोई में काम कर रही थी। From time to time, I would hear the roar of a tricycle's engine. और समय के साथ साथ मैं बार बार tricycle engine मतलब tricycle होती है 3 पहिए वाला वाहन, ठीक है, तो मेरे को बार बार उसके इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। And rush to the front door of the house in Quezon City, Philippines. और मैं बार बार बाहर के दरवाजे की तरफ अपने घर के बाहर के दरवाजे की तरफ जा रहा था। कहाँ पर था उसका घर? क्यूजोन सिटी, फिलीपींस में। होपिंग टू सी माई मदर अराइविंग होम, और मुझे लग रहा था कि मेरी माँ जल्दी घर आ जाएंगी। बट इट वॉज ऑलवेज समवन एल्सेस मॉम एंड और डैड, पर हमेशा वे किसी और के मम्मी या पापा होते थे। I like to think of myself as a grown man, और मैं अपने बारे में एक बहुत बड़ा आदमी अपने आप को समझ रहा था। But anxiety was eating my boldness, लेकिन जो चिंता थी, anxiety मतलब चिंता परेशानी जो थी वो मेरे उस बड़ेपन को खा रही थी। मतलब हम दूसरे वर्ड्स में ये कहेंगे कि वो बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा तो महसूस कर रहा था, लेकिन जो उसके अंदर चिंता थी और जो डर था अकेले होने का, वो एक छोटे बच्चे वाला ही था। द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर, और तूफान और तेज़ बढ़ता गया। द लाइट्स वेंट ऑफ, और लाइट भी चली गई। द क्लॉक स्ट्रक 9, और घड़ी में 9 बजे हुए थे। आई बिगैन टू क्राई, मैं रोने लगा। देन द फोन रैंग, तब फोन बजा। आई वाइप माई टीयर्स, मैंने अपने आंसुओं को पोंछा। सॉब्स मतलब जैसे रोने के बाद हमारा गला भर जाता है, तो उसने उस चीज़ को कंट्रोल किया। एंड आंसर्ड, और फ़ोन पर आंसर किया। इट वॉज माई मदर, और दूसरी तरफ फोन पर कौन थी? उस बच्चे की मदर। हेलो कार्लो, शी बिगैन, आई एम स्टिल, उसकी मदर ने कहा हेलो कार्लो, तो फिर उसके बाद वह चुप हो गई। वेयर आर यू, उन्होंने उस बच्चे ने आई इंटरप्टेड, बच्चे ने पूछा आप कहाँ हो। फुली अवेयर दैट माई एजिटेशन वॉज अनबिकमिंग फॉर अ ग्रोन अप, और मेरे को यह भी पता था कि मेरी जो चिंता थी वो वॉज अनबिकमिंग, एजिटेशन मतलब चिंता, वॉज अनबिकमिंग फॉर अ ग्रोन अप मतलब कि वह एक बड़े आदमी के जैसी थी। आई एम हियर इन ग्लोरी सुपर मार्केट
विद योर ब्रदर। तो उसकी मदर कहती है, मैं यहीं पर हूँ ग्लोरी सुपरमार्केट में तुम्हारे भाई के साथ। आई न्यू दैट द ग्लोरी सुपरमार्केट वॉज ओनली 5 मिनट्स फ्रॉम माई होम। और मुझे ये पता था कि जो ग्लोरी सुपरमार्केट है वह मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। वॉट टाइम विल यू बी होम, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि आप कितने बजे तक घर आएंगी। अनलेस वी गेट अ राइड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अस एनी टाइम सून। तो उसकी मदर कहती हैं, जब तक हमें कोई राइड नहीं मिल जाती, मतलब कोई साधन नहीं मिल जाता जिससे हम घर आ जाएं, तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कब तक घर आएंगे। मतलब जब जब जैसे ही हमें वह कोई सवारी मिलेगी घर आने के लिए, हम घर आ जाएंगे। वाई डोंट यू टेक अ ट्राई साइकिल होम। तो बच्चा कहता है कि आप ट्राई साइकिल से घर क्यों नहीं आ जाते। द ट्राई साइकिल ड्राइवर्स वोंट एक्सेप्ट एनी पैसेंजर्स हियर। उसकी माता कहती हैं कि जो ट्राई साइकिल ड्राइवर्स हैं, ट्राई साइकिल चलाने वाले हैं, वह अपनी गाड़ी में किसी भी पैसेंजर को नहीं बिठा रहे। वो कहता है वॉक। बच्चा कहता है तो आप वॉक करके आ जाइए। थ्रू दैट फ्लड आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ वाई आई कॉल। तो उसकी मदर कहती हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसी कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि हम आ पाएंगे, इसलिए ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। आई ब्रेज्ड माई सेल्फ का है कि मैंने अपने आप को थोड़ा तैयार किया, प्रिपेयर किया। गेट योर रेन कोट, हेल अ ट्राई साइकिल एंड फेचर्स हियर, शी सेड। उसकी माता, उस बच्चे की मदर उससे कहती हैं कि तुम अपना रेनकोट उठाओ और एक इसको क्या कहते हैं, ट्राई साइकिल वाले को बुलाओ और हमें यहाँ से ले जाओ। फेचर्स हियर मतलब हमें यहाँ से ले जाओ। स्टंड, वह बच्चा चौकन्ना रह गया। आई कुड नॉट अटर अ वर्ड, मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। माय मदर कंटिन्यूड, फिर उसकी माता ने बोला, कार्लो इज़ दैट ओके विद यू। उसकी माता उससे कहती हैं कि कार्लो क्या यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वॉज दैट ओके विद मी, वॉज शी किडिंग। बच्चा अपने आप से बातें करता है और वो कहता है, पूछता है, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या मेरी माता कुछ मजाक कर रही है। किडिंग का मतलब है यहाँ पे मजाक करना। It was raining hard, it was dark and the thunder roared every minute. और बच्चा कहता है, not that I was scared but I was only 10. बच्चा कहता है बाहर बहुत तेज़ बारिश थी, अंधेरा था और बहुत तेज़ से बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा था, लेकिन मैं सिर्फ 10 साल का था। Who knew what डेंजर अवेटेड मी आउट देयर इन द डार्क। और किसी को नहीं पता कि बाहर अंधेरे में मेरे लिए कौन सा खतरा मेरा इंतज़ार कर रहा है। श्योर, नो प्रॉब्लम, आई रिप्लाइड। बच्चे ने बहुत ही, जैसे बड़े लोग रिप्लाई करते हैं, ऐसे कहा कि हाँ हाँ मेरे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह बच्चा अपने आप को एक आदमी महसूस कर रहा था। बच्चा वैसे उसके अंदर डर बच्चे वाला था, लेकिन वह प्रिटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि वह बहुत बड़ा है। ग्रेट, ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यू माइट गेट वेट। उसकी मदर उससे कहती है, बहुत अच्छा, शाबाश, अपने साथ एक अम्ब्रेला भी लेते आना, क्योंकि तुम गीले हो सकते हो। आई पुट द फोन डाउन, मैंने फ़ोन रखा। I could not believe I had said yes. और मैं बिल्कुल भी यह विश्वास नहीं कर पाया कि मैंने अपनी माता को yes बोल दिया है कि हाँ मैं आ रहा हूँ ट्राईसाइकिल वाले को लेकर आपके पास। I wanted to call back to say I could not do it. और मैं चाहता था कि मैं उन्हें फ़ोन करूँ दोबारा से और कहूँ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। But then I stopped. लेकिन मैं रुक गया। Do grown men shrink away from the challenges? वो कहता है, क्या बढ़ते हुए आदमी अपने आप को ऐसी परेशानियों से दूर ले जाते हैं। Shrink away का मतलब है यहाँ पे अपने आप को दूर करना, challenges मतलब चेतावनी। No,
एंड आई वॉज अ ग्रोन मैन. नहीं, मैं एक बड़ा आदमी हूँ. राइट देन आई रिजॉल्व टू फेस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज दैट ले बिफोर मी. तभी मैंने अपने आप को आई रिजॉल्व टू फेस, मतलब तभी मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज जो है, जो मेरे सामने आया है, मुझे इसका सामना करना पड़ेगा. फेस टू फेस का मतलब सामना करना. टू कम्यूट टू अ डिपार्टमेंट स्टोर 5 मिनट्स फ्रॉम होम. और मुझे सिर्फ क्या करना है, कम्यूट मतलब आना जाना करना है सिर्फ एक उस डिपार्टमेंट स्टोर तक जो सिर्फ मेरे यहाँ घर से 5 मिनट की दूरी पर है. आई पुट ऑन माई येल्लो बग्स बनी रेन कोट एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस. और मैंने अपना येल्लो कलर का बग्स बनी वाला रेन कोट पहना और घर से बाहर निकल पड़ा. द चिली विंड हिट मी इन द फेस. जो ठंडी हवा चल रही थी वह मेरे फेस पे बहुत तेज से प्रहार कर रही थी, मतलब मुझे चोट पहुंचा रही थी, हिट कर रही थी. एंड द रेन पाउंडेड ऑन मी. और जो बारिश है वह भी मुझे चोट पहुंचा रही थी. पाउंडेड मतलब किसी चीज़ का प्रहार करना, अटैक करना जैसे, ठीक है, किसी चीज़ का तेज से लगना. जैसे बारिश अगर बूंदें बहुत तेज़ होती हैं तो वो बहुत तेज़ से शरीर पर लगती हैं, उस तरीके से. लाइटनिंग स्ट्रीक्ड अक्रॉस द स्काई एंड थंडर बूम. बिजली बहुत तेज़ से कड़क रही थी और बादल भी बहुत तेज़ से गड़गड़ा रहे थे. आई वॉज स्कैर्ड. मैं डरा हुआ था. आई हैड नॉट टेकन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिफोर. मैंने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो कि जनता के लिए जो भी ऐसे वाहन होते हैं उनको मैंने पहले कभी भी हायर नहीं किया था, मतलब मैं कभी उसमें नहीं गया था. एंड आई डिड नॉट नो वॉट टू डू.